Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the COT Accountancy MCQ Practice Series 1.0, जिसमें हमारा टारगेट चल रहा है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना, और अभी तक हम लोग 190 कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो के साथ हमारे फर्स्ट 200 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई होप कि जितने भी पिछली वीडियोस हैं वो आप टाइमली देख रहे हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ देखने आप लोगों के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों का एग्जाम है बोर्ड का भी और सीयूटी, तो साथ साथ प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें बोला जा रहा है दैट ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1, और हमारा जो ए पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है, यानी कि ये वाला जो पार्टनर है ये रिटायर हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया दैट रिमेनिंग जो पार्टनर है बी सी डी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। सो ये हमारा सबसे बेसिक केस है वेयर नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर किसी ने अक्वायर नहीं किया है। तो अब हमारी जो न्यू रेशियो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 3:2:1। ठीक है, सो डायरेक्टली अगर बाय चांस हमारा पार्टनर सी रिटायर होता तो रेशियो बन जाती 4:3:1। सो फॉर द टाइमिंग रेशियो इज 3:2:1। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर जो है वो इन कंडीशंस पे रिटायर हो सकता है, देखते हैं क्या क्या कहता है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हो सकता है। व्हेन पार्टनरशिप एट विल ही मे गिव द नोटिस इन राइटिंग, बिल्कुल सही बात है। विद इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट ही ऐसा है कि जिसमें एक टाइम पीरियड के बाद किसी पार्टनर को रिटायर होना हो, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशंस रिटायरमेंट को शूट करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, जो बी पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है एंड हिज एंटायर शेयर इज टेकन बाय सी। सो जब तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो और उसका पार्टनर जो प्रॉफिट शेयर है वो दूसरा पार्टनर एक्वायर कर ले, तो आपको क्या करना है। देखिए, सो इसमें जो ए है उसका शेयर कितना है, उसका शेयर 2/5 है। सो बी का जो शेयर है वो किसने एक्वायर किया, वो सी ने एक्वायर किया। तो सी के पास अपना शेयर कितना था, 1/5, और उसने बी का जो शेयर एक्वायर किया, जो बी शेयर है वो कितना है, वो भी है 2/5। तो इनको डायरेक्टली आप प्लस करो, ये कितना हो गया, 3/5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गई, 2/5 एंड 3/5, जो कि है 2:3। सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। सो इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन टू द रिटायरमेंट। सो जब पार्टनर रिटायर हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सो रिटायरिंग पार्टनर को क्या चीज नहीं गिवन। सो जब भी नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो नॉट को ना सबसे पहले हाईलाइट कर लो। ठीक है, चलिए। सो हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये तो हम लोग उसको देते हैं जब वो जाता है। कंप्लीट गुडविल ऑफ द फर्म, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दिस इज द आंसर। आगे पढ़ लेते हैं फिर भी। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बिल्कुल देंगे हम लोग। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी हम लोग देंगे। सो ये तीन जो पार्ट है ये हम लोग उस पार्टनर को देते हैं जो रिटायर होता है, लेकिन हम क्या नहीं देते, जो वो फर्म की कंप्लीट गुडविल मांग रहा है। तो दिस इज द आंसर, राइट। सो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है सुनैना रोहन एंड रीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। सो सुनैना रिटायर्ड, यानी जो सबसे पहला पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है, सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रोहन एंड रीना इन द रेशियो ऑफ 3:1। सो अब क्या हो रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो रिटायर हो रहा है, और उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो रिमेनिंग जो पार्टनर है अक्वायर कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर रेशियो। सो अब हमें करना क्या, देखिए। सो सुनैना का सबसे पहले तो शेयर देखते हैं कितना है। हर शेयर वॉज 4/8। अब ये किस रेशो में अक्वायर किया गया, ये अक्वायर किया गया है 3:1 की रेशो में। तो पहले इसको 3:1 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो 4/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4 एंड 4/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा 12/32 और इधर आ जाएगा 4/32। ठीक है, सो इन रेशोज में अक्वायर किया गया। अब देखिए, सो हमारे जो बचे हुए पार्टनर है, सबसे पहला है रोहन या रोहन। सो रोहन का जो ओल्ड शेयर था दैट वॉज 3/8। अब 3/8 को कितना मिला, इसने कितना अक्वायर किया, 12/32। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 4 के टेबल पे। सो 3/8 कर देते हैं इसको। सो 3/8 प्लस 3/8 हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 6/8। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पार्टनर है वो है रीना। सो रीना का जो ओल्ड शेयर है दैट वॉज 1/8। अब इसको कितना मिला है, 4/32। सो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये 1/8 बन जाएगा। सो 1/8, सो इसकी जो रेशियो हो जाएगी 2/8। सो 6:2, और शॉर्ट कर लेंगे इसको, 3:1। सो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है दैट इज 3:1। सो आंसर इज पॉइंट ऑप्शन नंबर
डी, ठीक है। सो इस तरीके से जब भी कोई शेयर, जो भी कोई पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर अक्वायर होता है, तो जिस प्रपोर्शन में अक्वायर किया जाता है उस प्रपोर्शन में उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर में डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो इनमें से क्या क्या चीजें जो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सेक्रीफाइस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। सो सेक्रीफाइस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जाने वाला पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, ठीक है। वो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलता है, वो गेन करते हैं। उसके बाद सेक्रीफाइस ऑफ द इम्प्लॉय, तो ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आफ्टर दैट गेनिंग रेशियो ये हो सकता है, नेक्स्ट इज परचेज गुडविल, ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। सो जब भी हमारा पार्टनर रिटायर होगा तो गेनिंग रेशियो हमें क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसको कंपनसेट करने के लिए जो जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है जिनको उसका प्रॉफिट शेयर मिला और उन्होंने गेन किया उसके जाने की वजह से, तो वो लोग उसको कंपनसेट करेंगे विद द प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल पे करके। ओके, सो ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आई गेस मुझे ये सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज आपको सिखा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। छोड़ रहा हूँ आपके लिए, लेकिन एक चीज सिखाने लगा हूँ, दैट इज SONG, राइट। सो ये जो है मैंने पहले भी पुराने वीडियोज में सिखाया आप लोगों को, तो ये सॉन्ग बेसिकली क्या है। सो ये फॉर्मूला अगर हम इस तरीके से यूज करें तो ये बन जाएगा सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और अगर हम इस तरीके से यूज करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। सो ये जस्ट आपके लिए है, ताकि आप दोनों फॉर्मुलाओं को एक तरीके एक ही टाइम पर याद रख सकें। तो ऑब्वियसली मैंने आंसर आपको दे ही दिया, बट फिर भी 197 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 198, सो इट सेज गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन। सो ये पूछ रहा है कि बेसिकली जब गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स, वो पार्टनर को दी जाएगी कौन से रेशियो में। तो इसका जो आंसर है दैट इज ओल्ड रेशियो। ये याद रखना है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जाती है जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा हो या पार्टनर रिटायर हो रहा हो, लेकिन जो गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स है उसको हमेशा राइट ऑफ किया जाता है और उसकी जर्नल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड और ऑल, ठीक है, रिटायरमेंट के केस में ऑल, एडमिशन के केस में ओल्ड। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 199। सो सौरभ शिरीन एंड सुमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सुमेश जो है ये पार्टनर रिटायर हो जाता है, यानी कि ये वाला पार्टनर हमारा रिटायर हो गया। आफ्टर दैट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 3:2, जो कि सौरभ और शिरीन की है। अब हमें गेनिंग रेशियो यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो क्या कैलकुलेट करना है, गेन। सो गेन का फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड, जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के आया था, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग सौरभ के लिए, डन। सो सौरभ का जो न्यू शेयर है दैट इज 3/5, एंड इसका जो ओल्ड शेयर था दैट वॉज 3/6, राइट। आफ्टर दैट दूसरा है शिरीन, अब इसका चेक कीजिए, जो जो न्यू शेयर है दैट इज 2/5, एंड इसका जो ओल्ड शेयर था दैट वॉज 2/6। चलो अब उसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 30, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3/30, एंड आफ्टर दैट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2/30। सो ये इनका गेन है, सो गेन भी 3:2 में ही आ रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो गेन एक्चुअल में 3/30 और 2/30 का है, जो कि 3:2 ही बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, सो ये है हमारा 200th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे फर्स्ट 100 के बाद फर्स्ट 200 क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। सो आई होप कि आप जो वीडियोस हैं इनको रेगुलरली देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, और ये जो वीडियोस हैं अगर आपकी तैयारी में थोड़ा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, तो इन वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरीके से मैं और वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज डेबिटेड टू द गेनिंग पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, फिर भी एक बार और पढ़ते हैं आगे भी, वैसे आंसर हो सकता है। डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर, ये भी आंसर नहीं है। ओनली इन द बैलेंस शीट, ये भी आंसर नहीं है। सो ये आंसर है हमारा, सो क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स भी हो सकता था, ये भी ध्यान रखना हमने, जब रिटायरिंग पार्टनर होता है तो उसको भी हम लोग जनरल रिजर्व का उसका जो शेयर है वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आगे कहीं ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे यहाँ पर ऑल लिखा है लेकिन यहाँ पर डेबिट साइड लिखा है, ठीक है। सो ये आंसर नहीं है हमारा, क्रेडिट साइड है कैपिटल और करंट अकाउंट के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अब हम लोग मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ, सेम टॉपिक अगली वीडियो में।